बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना एजाज आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है एक हस्बैंड एंड वाइफ ने अपना फूड कार्ट रन करने के लिए जनाब मेहनत कर रहे हैं दोनों, और होम मेड खाने हैं, घर से पका के लेके आते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे आके ये इन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है अपना। कहाँ पे स्टॉल लगाया है सब कुछ मैं आपको एक्सप्लोर करूँगी और आपको सब कुछ बताऊँगी ये कहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो ये स्टॉल है जनाब खाना खजाना के नाम से, हस्बैंड एंड वाइफ चला रहे हैं। चलें जनाब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि दिल नहीं तोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरी फुल वीडियो देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो हम प्रमोट कर रहे हैं आज एक हस्बैंड एंड वाइफ को और उनके एक वर्क को, ताकि इनको हौसला मिले, इनके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। तो व्यूअर्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अपना नाम बताइएगा। निशा खान। निशा, ये बताएं कि ये स्टॉल आपने यहाँ पे कब से स्टार्ट किया लगाना? एक्चुअली हमने यहाँ पर नहीं लगाया था, कोने पे लगाए मासूमी के बराबर है, मैदान बैंक है। अच्छा, मासूमी सामने और टीगुरन के कॉर्नर है। सही। तो हमारा वो कॉर्नर कैबिन कहलाने लगा। अच्छा, हमने ये 23 मार्च को लगाया है, तो 23 जून को लगाया है इसी साल। अच्छा, जुमे के लिए। अच्छा, और किस नाम से फेमस हो गया जनाब ये खाना खजाना? खाना खजाना के नाम से ये फेमस है और आपने यहाँ पे स्टॉल स्टार्ट किया है, और तकरीबन कितना अर्सा हो गया? 18-19 दिन हो गए हैं। स्पेशलिटी है वो दाल चावल ही है? दाल चावल के अलावा चिकन 65 है। अच्छा, और ये दाल चावल है, दोनों दाल चावल है। अच्छा, तो एक कढ़ी है। अभी वीकेंड पे एक दिन हम कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह से शक्ल में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है जनाब। जायके में भी लाजवाब होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि घर की बनी हुई है। अभी बनाई है मैंने, समझ डेली घर से आने के बाद मैंने भगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चावल है। ये चावल आ गया। आज की जो डिश है वो कढ़ी चावल है जी। कढ़ी चावल जनाब, कढ़ी चावल। और आप चावल भी सेला यूज कर रही है? बासमती यूज कर रही है जनाब। सेल बासमती चावल है, एक दाना खिला हुआ है भाई। सही जनाब। तो मिशा, ये किन हालात में आपने ये सब स्टार्ट किया, ये मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं इसके बारे में कि आपको बाहर निकल के आना क्यों पड़ा? हमारे मियाँ की जॉब चली गई सऊदी अरब में, थे हम लोग, पूरी फैमिली थी हमारी। मेरे मियाँ भी अच्छी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, रिटायर होकर यहाँ आ गए। अच्छा, अब इनको इस काम के अलावा तो कोई काम आ नहीं सकता था। पढ़े लिखे हैं, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ मैं। सही। मगर कुछ थोड़ा बहुत होता है बंदे में कि अल्लाह ताला डाउन अप डाउन करता है। अप एंड डाउन तो है ज़िंदगी के साथ लगा हुआ है। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थोड़ी सी जी। ये नहीं कहूँगी कि मैं गरीब हूँ या वो हूँ, मैं बिल्कुल ये सच बता रही हूँ। अच्छा, बहुत शौक था। अच्छा, खाना बनाने का, और मतलब लोग मेरी तारीफ करें खाने की। अच्छा, बहुत शौक था मुझे। ससुराल में भी फेमस हो गई, मैके में भी, मोहल्ले में भी, और बच्चों के स्कूलों में भी जो बना बना के देते थे फेमस हुई, तो लोगों ने बड़ी तारीफ करी। ये बताएं कि यहाँ पे स्टॉल लगने के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ लोगों ने परेशान तो नहीं किया? बहुत अच्छे लोग हैं सारे, जितने भी हैं सब खाना खाते हैं मुझसे लेकर। अच्छा, वहाँ खड़ी हुई थी मैं तभी, वहाँ पर माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, खानदान वाले हों, मैके वाले हों, ससुराल वाले हों, कोई भी, वन टू ऑल, वन टू ऑल। अच्छा, अभी पब्लिक का रिव्यू कैसा है? आपके पास पब्लिक आ रही है? आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ सर, ये जितने भी शॉप्स वाले हैं ना सब आते हैं। सब आते हैं। लंच टाइम में होती हैं आप या डिनर टाइम में भी होती हैं? नहीं, हम डिनर टाइम में नहीं होते, इसलिए कि पहले हमने सेटअप डाला था पकौड़ों का। अच्छा, तो लेकिन कुछ बचत नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, तो फिर हमने कहा जब तक चल रहे हैं दाल चावल पे लगाएं और फिर करेंगे। सही। तो मिशा, इंशाल्लाह ताला आपके स्टॉल जो आपने इतने दिल से लगाया है और इतनी मेहनत कर रही हैं आप, तो इंशाल्लाह ताला मैं लोगों से अपील करती हूँ कि यहाँ पे आएं इनके स्टॉल पे और इनका खाना चखें। बहुत जायकेदार खाना है और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। तो मिशा जो है स्टार्ट किया है इन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस, तो हमें इनको प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ। अच्छा मिशा, अपनी लोकेशन बताइएगा। पैडल भी एरिया दस्तगी
मैजान बैंक के बराबर में जावेद नहारी के रॉ। अच्छा, जावेद नहारी के रॉ में और मैजान बैंक के बराबर में, और सामने मासूमीन मस्जिद है। अच्छा, और बराबर में। अच्छा मिशा, आपकी टाइमिंग क्या है? हम 11 बजे आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, और 4:30 या 5 बजे आप ऑफ हो जाती है। माशाल्लाह से सब सेटअप खत्म हो जाता है, सारा सिस्टम जो बचता है वो हम दे देते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गरीबों में। तो व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं खालिद साहब और उनकी मिसेस निशा मौजूद हैं यहाँ पे। बताएं कि ये सेटअप जो स्टार्ट किया है, किस बुनियाद पे स्टार्ट किया है, क्या वजूहत रही हैं? जो है ख्वाहिश थी और इनका शौक था, खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ खाने का करें। तो हमने 30 तारीख से अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। अच्छा, टी ग्राउंड पे लगाते हैं, वहाँ मुहर्रम की वजह से हमें 10 दिन के लिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा, मुहर्रम की वजह से यहाँ आना पड़ा आपको 10 दिन की वजह से, वरना आपकी प्रॉपर जगह वही है। हाँ, हम तो वही जगह पे लगे। सही। अच्छा, ये वीक में आप लोग क्या चेंज करते रहते हैं मेन्यू? हाँ, मेन्यू चेंज होता है। आज कड़ी पकौड़ा है चावल के साथ, और रोजाना दाल चावल होते हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद और डिशे आएंगी। अच्छा, और डिशे आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो टाइमिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब है? बस ये समझ लेंगे 11:30 तकरीबन हो जाते हैं लाते, 11:30 से जब भी खत्म हो जाए वाइंड अप हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी। सही जनाब, तो फिर नेक्स्ट डे में दूसरा मेन्यू आ जाता है। जी। अच्छा, मेन्यू डिसाइड करके रखते हैं या आप प्लानिंग करके रखते हैं, या आप एंड टाइम पे आपको याद आता है कि भाई आप ये मेन्यू करना है? वो ऐसा है बेटा कि वो मतलब मेन्यू तो हमें करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर दालों का मसला है। दालें जो है वो मसूर की पसंद करते हैं लोग, चने की पसंद करते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ जानें रखते हैं। और बुध के दिन ये हमारा जो है कड़ी पकौड़ा रहता है। अच्छा, बुध के दिन कड़ी पकौड़ा रहता है। हाँ, वेनसडे को कड़ी पकौड़ा रहता है। अच्छा, बाकी आम दिन में दाल चावल रहते हैं। सही हो गया जनाब। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रिक्शे में बरकत दे, और ये जो सेटअप आपने लगाया है यहाँ पे लोगों का आने जाना हो रहा है, लोग आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरी वीडियो के तवज्जो से अगर आप कुछ कहना चाहें पब्लिक को, आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, हर आदमी को सोचना चाहिए घर का खाना है, अनहाइजीनिक खाना है, घर का स्पेशल बना हुआ और घर के मसालों से बना हुआ तैयार खाना है। ये बताएं कि यहाँ पे जो है आपने प्राइस क्या रखे हुए हैं? दाल चावल के हमने सलाद चटनी नींबू के साथ 120 रखे। अच्छा, और कढ़ी के साथ 150। सही हो गया। तो व्यूअर्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए इन इस तरह के स्टॉल्स पे, और ख़ास तौर पे जो हमारी लेडीज़ हैं, बाहिम्मत ख़वातीन हैं, वो यहाँ आ रही हैं, रोड पे निकल रही हैं, एक अपना सेटअप बना रही हैं और घर के खालिस मसालों के साथ खाने तैयार कर रही हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जो ख़वातीन हैं, जो घर में बैठी हैं, जो सब करना चाहती हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की, तो इनको देख के हिम्मत पकड़ें, बाहर निकलें और मेहनत करें। मेहनत में अजमत है। अब जब आप अच्छे होंगे तो सब अच्छे होंगे, और जब आप गलत होंगे तो फिर सब गलत होंगे। क्या ख्याल है? आज मैं पहली मरतबा 3 औरतों से मिली हूँ, 4 औरतों से मुख्तलिफ, जो फेरिया हॉल में पकौड़े लगाती हैं, समोसे लगाती हैं। बड़ी टैलेंटेड औरतें थी वो, मैंने पहली दफ़ा उनको देखा है, मैंने कभी सुना ही नहीं कि औरतें पकौड़े लगा रही हैं कहीं पर बैठी हैं। सही। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सही। और मुझे इसमें एक शौक के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है। बिल्कुल। अपने और देखिए, आपकी शौक के साथ आपको मज़ा भी आ रहा है, आपकी इनकम भी चल रही है, और आपको सपोर्ट भी हो रहा है। जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह से सब पढ़ रहे हैं। अच्छा। एक छोटी 10 साल की है, इससे बड़ी है जो कॉलेज में है वो। अच्छा। और बाकी 3 यूनिवर्सिटी में, एक का दाखिला नहीं होता। अच्छा। बस दुआएं और कोशिश कर रहे हैं कि उसका नहीं, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। और ज़बरदस्त है भाई, माशाल्लाह से। इसका मैं तारीफ करूँ तो यकीन माने कि इसको मैं नंबर दूँ ना तो 10 of 10 नंबर है। थैंक यू। ज़बरदस्त निशा, आपने बहुत ज़बरदस्त बनाया है माशाल्लाह से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हर चीज़ है। और ये पकौड़ा बनाया ना तो ज़बरदस्त है भाई, बहुत नरम और मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है, और खाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है निशा, ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, यकीनन मेरे देखने वालों को भी मज़ा आ रहा होगा, उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो यहाँ जल्दी आए, पहली फुर्सत में निशा के स्टॉल पे आए, आपको मेन्यू में हर चीज़ मिलेगी, दाल चावल, कढ़ी चावल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके लाजमी टेस्ट कीजिए।
और यहाँ पे ज़रूर आएँ। और यहाँ का एड्रेस पीछे बताइए, क्या एड्रेस है यहाँ का? ये फेडरल बी एरिया दस्तगी, जावेद नारी की रॉ में है, पूरी लाइन है सारे खानों की। टी ग्राउंड का कॉर्नर है, बराबर में मिजान बैंक है और उसके सामने मासूमीन मस्जिद है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, यकीन माने ऐसा लग रहा है कि मैं किसी घर में बैठ के अपने सुकून से खा रही हूँ। भाई इतना ज़बरदस्त प्लेस है यहाँ पे व्यूवर्स, तो यहाँ पे आए लाजमी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और घर जैसे चाय का मिल रहा है जनाब यहाँ पे, आपको क्या चाहिए? बस ये निशा के स्टॉल पे एक बाबा जी बहुत ज़बरदस्त है जनाब, वो कह रहे हैं कि मुझे गाना गाना है, तो सुने इनके गाने। तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, देखा नूर परिश्तों का मैंने तेरी आँखों में, कुछ न क्या थक पाया है तेरी बातों में, माँ छीन नहीं सकता मुझे तेरा प्यार कोई दुश्मन, तेरी आँखों में तेरा ही रंग मिलेगा, संग रहेगा मेरा प्यार। जबरदस्त भाई जबरदस्त, बेचारे क्लैपिंग कर दी भाई जबरदस्त। जनाब आप ये देखें व्यूवर्स के उम्र चाहे कोई भी हो लेकिन शौक जो है वो अपनी जगह बरकरार है भाई, में भी जवान होना चाहिए। अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम की का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। सो व्यूवर्स आई होप कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, इंशाल्लाह ताला मैं फिर अगली वीडियो में मिलूंगी। अब इस वक्त आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।